हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल SPARX स्टेनोग्राफर, जहां पर हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स। सो गाइस, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है इंग्लिश का, जो कि हम गोल्डन रूल्स कवर कर रहे थे, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। सो फर्स्ट है, when a pronoun is used as a complement of the verb to be, it should be in a nominative case. आपने यहाँ देखा है nominative case, ये दो टाइप के केस होते हैं pronouns में, nominative and objective case. Firstly, we have to discuss nominative case and objective case. Nominative case वो होते हैं जो हम sentence के perform करते time use करते हैं. For example, The dog run. यहाँ पर जो dog है वो क्या है, nominative case. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो performer है, वहाँ पे वो perform कर रहा है. But यहाँ पर हमारी verb क्या है, run, ठीक है. और objective case में क्या होता है, जो आपकी object of verb हो या फिर preposition हो, उसके लिए हम use करते हैं objective case. Clear है ये चीज़? तो यहाँ पर बात हुई थी नॉमिनेटिव केस की. तो सेंटेंस में देखो, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट. तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, नॉमिनेटिव केस, ठीक है. तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है. तो यहाँ हमारा सेंटेंस सही होगा, इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, When the pronoun is used as the object of a verb or a preposition, it should be in objective case. जैसे कि मैंने आपको बताया था, nominative case noun और pronoun के लिए होते हैं, और objective case आपके verb और prepositions के लिए होते हैं. तो यहाँ हम sentence में देखते हैं, Let you and I do it. Clear? यहाँ पर हमारा प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो है, लेट यू एंड मी डू इट. क्लियर है? यहाँ पर आई की जगह मी का यूज़ होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं. दीज प्रेजेंट्स आर For you and I. First of all, you and I नहीं होता है. यहाँ पर भी वही चीज़ है, I की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, me, in objective case. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, These presents are for you and me. क्लियर है ये चीज़? Now come to the next point. Empathetic nouns cannot Stand alone as subject. जितने भी हमारे empathetic nouns होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं. अब ये empathetic nouns क्या हैं वो देखते हैं. Empathetic pronouns वो होते हैं जिनमें हम self का use करते हैं, himself, herself, themself. ये सब हमारे empathetic nouns pronouns में आते हैं. Clear? अब देखो, ये बोलते हैं कि empathetic pronouns अकेले नहीं आते, उनके साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है. जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है, himself did it, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. तो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, ही हिमसेल्फ डिड इट. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इनडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट If used at all, जो हम pronoun use करते हैं one, वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, वो भी single में नहीं होना चाहिए. उसके लिए हम all का use करते हैं, वो हमारा all के लिए use होता है. जैसे sentence में दिया हुआ है, one must not boast of his own success. यहाँ पर जो हमने his लगाया है वो his यहाँ पर गलत है, क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउन जो कि वन है वो ऑल के लिए यूज़ होता है.
तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस. क्लियर है ये चीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आइदर और नाइदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्संस और थिंग्स. एनी, नो वन एंड नन इज यूज्ड इन स्पीकिंग मोर देन टू पर्संस और टू थिंग्स. जो हम आइदर और नाइदर यूज करते हैं वो बेसिकली टू पर्सन और टू थिंग्स के बारे में होती है, बट एनी, नो वन, नन ये मोर देन टू के लिए यूज होता है. सेंटेंस से हम कवर करते हैं, एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन. एनी वन यूज हुआ है यहाँ पर और बात हो रही है टू रोड्स की, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बात सिर्फ दो की हुई थी. तो यहाँ पर आइदर या नाइदर यूज करेंगे, ना कि एनी वन. तो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन. इसी में एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, नाइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क. यहाँ पर देखो उसी का उल्टा करा है, नाइदर यूज करा है बट दो से ज्यादा के लिए. यहाँ पर थ्री बॉयज की बात हो रही है और हमने लगाया है नाइदर. हमने ये पढ़ा है कि आइदर नाइदर दो पर्संस के लिए या दो थिंग्स के लिए होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आइदर नाइदर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, नाइदर है तो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर लगेगा नो वन ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच अदर इज शुड इन, ईच अदर इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्संस और थिंग. जब भी हम बात करते हैं ईच अदर की, ईच अदर में भी दो या दो पर्सन या दो थिंग्स के बारे में बात होती है, वहाँ पर हम ईच अदर लगाते हैं. बट वन एंड अनदर, वहाँ पर हम दो से ज़्यादा के लिए बात करते हैं. क्लियर है ये चीज़. ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए. सेंटेंस में देखते हैं, द टू ब्रदर्स लव्ड वन अदर. अब यहाँ पे टू ब्रदर्स की तो बात हुई है बट ये वन अनदर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ईच अदर, क्योंकि दो के लिए बात हुई है. द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जेरंड यूज शुड बी पुट इन द पोजेसिव केस. जो ये नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो जेरंड के साथ पोजेसिव पोजेसिव केस में यूज होते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं. जैसे कि सेंटेंस में देखो, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट. क्लियर. यहाँ पर हमने जेरंड यूज किया है बट सेंटेंस कैसा होना चाहिए था, पोजेसिव, जो कि यहाँ पर नहीं है. तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट. क्लियर. ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है पेपर में, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस हम एलिमिनेट चार में से दो तो इजीली कर लेते हैं बट जो दो बच जाते हैं वो यही होते हैं, मी एंड माई. तो बस हमें ये देखना है कि अगर हम जेरंड यूज कर रहे हैं तो जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वहाँ पर वो पॉजेसिव होना चाहिए, केस आपका पॉजेसिव होना चाहिए. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर. यहाँ पर एंटीसीडेंट दिया हुआ है, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम. एंटीसीडेंट बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है उसके बेसिस पर हम आगे जो उसमें रेफर करना है वो, अगर हमारा सिंगुलर है तो हम वहाँ पर सिंगुलर यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करते हैं. क्लियर. जैसे कि हम सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में दिया हुआ है, ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़ डन देयर होमवर्क. अब यहाँ पर बात ईच की हुई थी तो ईच के बेसिस पर, ईच हमारा सिंगुलर है तो ईच के बेसिस पर हम यहाँ पर, और यहाँ पे बॉयज़ है, ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज़
तो हम उसकी बेसिस पे, ये है हमारा क्या कहते हैं सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, देयर की जगह पर हम यहाँ पर हिज का यूज़ करेंगे. ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़ डन हिज होमवर्क. क्लियर है ये चीज़. नाउ नेक्स्ट, वैन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर दैम मस्ट बी इन प्लूरल. अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को हम एक साथ जोड़ते हैं एंड के साथ, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. दोबारा रिपीट करूँगी, दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन यूज़ होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में. जैसे सेंटेंस को कवर करते हैं हम, बोथ राजू एंड रवि हैव डन हिज होमवर्क. अब यहाँ पे दोनों सिंगुलर नाउन हैं और हमने उनको ज्वाइन करा है एंड के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन यूज़ होने वाला है वो होना चाहिए था प्लूरल, बट हमने इस सेंटेंस में लगाया है हिज, जो कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, बोथ राजू एंड रवि हैज डन देयर होमवर्क. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अ प्लूरल अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर. जो हमारा प्रीवियस केस था उसमें दो सिंगुलर नाउन थे बट दोनों ही सेपरेट थे, अलग अलग थे, तो इसलिए हमने उन दोनों के लिए और एंड से ज्वाइन था तो हमने वहाँ पे प्लूरल यूज़ किया था प्रोनाउन. बट अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को हम जोड़ते हैं एंड के साथ या वो, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर. ठीक है. और ये भी कब होगा, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज़ के लिए बात होगी तब हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर दोनों ही सेपरेट नाउन हैं तो हम उनके लिए प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन. तो इसमें सेंटेंस देखते हैं, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट नेलिजेंट इन देयर ड्यूटी. तो गाइस देखो, इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पर हमने देयर का यूज़ किया है प्लूरल फॉर्म, बट बात तो ड्यूटी की थी और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सिंगुलर. द कलेक्टर एंड द मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट नेलिजेंट इन हिज ड्यूटी. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स joined by or nor, either or, neither nor, the pronoun used for them should be in singular. अगर हमारे दो singular nouns हैं जिन्हें हम, दो या दो से ज़्यादा singular noun हैं, अगर हम उन्हें or, nor, either or, neither nor से अगर join करते हैं तो वहाँ पर जो हम pronoun use करेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, singular. तो हमारा सेंटेंस है, नाइदर रवि नॉर राजू हैज़ डन देयर होमवर्क. अब यहाँ पर हमें लगेगा दो हैं, राजू और रवि, तो हमें प्लूरल लगाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ पे देयर की जगह पर क्या आना चाहिए था, सिंगुलर. क्यों? क्योंकि हमारे जो सिंगुलर नाउन्स हैं उन्हें हमने नाइदर नॉर के साथ ज्वाइन किया है और नाइदर नॉर की कंडीशन में हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं. क्लियर. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, नाइदर रवि नॉर राजू हैज डन हिज होमवर्क. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्संस कम टुगेदर, द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन सिंगुलर कम्स फर्स्ट एंड द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कम्स लास्ट. And the pronoun of the third person singular
comes between. तो ये हमारा sequence होता है. अगर हम तीन person की बात करते हैं तो जो second person है वो हमारा पहले आता है, उसके बाद third person, then first person. इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 3 1, second person, third person, then first person. Clear? तो सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आई, यू एंड ही. यहाँ पर यूज हुआ है पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, जो कि हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होता है. पहले क्या आता है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. तो पहले क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर. क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन टू और मोर plural pronouns of different persons come together, first person plural comes first and second plural person and last of the all third person plural. ठीक है, इसमें भी ये चीज़ है, अगर आपके दो या दो से ज़्यादा plural pronouns आ रहे हों तो वहाँ पर पिछले वाले सेंटेंस में सिंगुलर था और इस वाले में प्लूरल है. सिंगुलर में हम 2 3 1 का यूज़ करते हैं और प्लूरल के केस में हम 1 2 3 का यूज़ करते हैं. ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और बाद में जितने भी हमारे थर्ड पर्सन हैं उनका हम यूज़ करते हैं. क्लियर? सेंटेंस में देखो, जैसे बताया गया है यू, दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर. क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पहले सारे सेकेंड पर्सन आ जाएंगे, देन थर्ड पर्सन. यू, वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर. क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज इन सब्जेक्टिव केस वेयर एज whom is in objective case, therefore for who there must be a finite verb in the sentence or otherwise when whom object is used in the sentence and there is more finite verbs than the number of subjects in the sentence, then whom should be changed into who. हु और हुम में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि हमें कहाँ पर हु लगाना है, कहाँ पर हुम लगाना है. तो उसको देख लेते हैं हम. अगर हमारा कोई सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन में अगर कोई सब्जेक्टिव केस है हु, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? हुम. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, द डॉक्टर हुम केम हेयर was Ram's brother. तो यहाँ पर हम whom का use ना करके, क्योंकि relative pronoun है और subjective case है, वहाँ पर हम किसका use करेंगे? Who का use करेंगे. तो यहाँ पर sentence बनेगा, the doctor who came here, the Ram's was Ram's brother. Clear है ये चीज़? Now next point, when the superlative degree adjectives only, none, all, etc. as relative pronoun we use that and not which or who. In case of अगर superlative degree है, जैसे कि adjective में only, noun, all और वो relative pronoun है, तो वहाँ पर हम which और who का use ना करके that का use करते हैं. Clear? तो सेंटेंस में देखो, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कैसी डिग्री है हमारी? सुपरलेटिव डिग्री है. तो यहाँ हम यूज़ करेंगे दैट का. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, आफ्टर लेट if a pronoun is used, the pronoun must be in objective case. अगर हम after let के बाद कोई sentence, कोई pronoun use करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए?
ऑब्जेक्टिव केस, जैसे हमारा एग्जाम्पल है लेट ही गो देयर, तो यहाँ पर ही यूज़ ना करके ऑब्जेक्टिव केस में हम हिम का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा सेंटेंस होगा लेट हिम गो देयर। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्डन रूल्स इंग्लिश के, जो कि हमारे स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स, इसमें बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको भी पता है हमारे स्पॉटिंग एरर्स 5-10 के अराउंड नॉर्मली आते हैं, एग्ज़ाम पे वेरी करते हैं ये चीज़। सो गाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, हमने हमारे सारे गोल्डन रूल्स को आज कवर करा है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, कमेंट करना ना भूलिए। एंड गाइज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए।